वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। वतन मेरे वतन, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। कर चले हम पिता कभी रंग तेरा जिसमें से निकल के खून करे।
जमी अफसोस नहीं जो मेरे लिए सादत से मैं खुश रहे तेरे आने से चल जाने ये रहे न रहे our daily and forgive us our debt. Lead us on in temptation but keep us from evil. Amen. पचहत्तर वर्ष पूरा होने की खुशी में पूरा देश इस जश्न में डूबा हुआ है और हर घर तिरंगा के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज का दिन काफी खास है। हमारे बच्चे इस दरमियान काफी एक्टिविटीज में भाग लिए, काफी सारे प्रोग्राम में हिस्सा लिए और इस अमृत महोत्सव का हिस्सा होकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है यह बेथल मिशन परिवार। देश प्रेम का जज्बा उमड़ रहा है, बस अब हम लोग कार्यक्रम को आगे सबसे पहले पैरेंट का इंस्पेक्शन होगा हमारे विद्यालय के निदेशक और स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। निरीक्षण सभी बच्चे काफी हर्षोल्लास में तिरंगे को अपने अपने तिरंगे को लहराए, देश की शान को बढ़ाए। इंडिपेंडेंस डे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट विद अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस। कदम से कदम मिलाते हुए परेड का निरीक्षण होता हुआ बच्चे तिरंगों को लगाते हुए बॉयज साइड से भी तिरंगा लगा सकते हैं आप लोग भी सिर्फ दोनों के लिए रोज पूरा शांत रहना है, मन को शांत रखना है और तिरंगों को लगाना है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस काफी खास इसलिए भी है क्योंकि हमने आजादी की 75 वर्ष पूरे कर लिए। यह हमारा 76th इंडिपेंडेंस डे है। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आए। तो दिल में देश प्रेम का जज्बा लेते हुए
परेड का निरीक्षण समाप्त की ओर। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा और कफन मेरा बस सही अरमान रखता हूँ। सर 75 वर्ष कम्प्लीट करके 76 वर्ष में इस आजादी के महोत्सव में आए हुए हैं, जुटे हुए हैं तिरंगा की शान में अपने देश के गर्व, अपने देश को गर्व करने के लिए। आजाद भारत में एक भारत आय एक समृद्ध राष्ट्र रूप में जाना जाता है, इसलिए इस आजादी का महोत्सव जो है साथ मनाया गया कि पूरा विश्व जो है हमारी क्षमता को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, सैनिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हमारी पहचान दुनिया को हम जानना चाहते हैं कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। हम सब एक आजाद देश में रहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये आजादी जो है कई सालों के बाद मिली और उन शहीदों को हम लोग नमन करते हुए अपनी आजादी की खुशी व्यक्त करते हैं आज के दिन। और हमें आशा है कि हम आजाद देश में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य और भी हो जाता है, नागरिक होने के बाद के नाते आजादी से कायम कर सकते हैं। संकल्प लेना होगा कि हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं,
हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कि अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, अपने दूसरे सिटीजन के साथ प्रेम भाव से रहें, शांति से एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को मुकाम और मंजिल हासिल करने में उसकी उत्साह को बढ़ाएं। हमारे समाज में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यदि हम सक्षम हैं तो यथासंभव हमारे देश ने बहुत मजबूती के साथ विश्वव्यापी महामारी में कोरोना में आपसी प्रेम को दर्शाया है। कई लोगों को घर भोजन पहुँचाया है, कई लोगों को दवाई पहुँचाई है, कई लोगों को सहायता की है, नाना प्रकार से देशभक्ति और प्रेम को हम लोगों ने देखा किस तरह हमारे देश में जो है ये एक बहुत ही बहुमूल्य चीज पाई जाती है। आज हमें फिर से उसको संकल्प लेना है, एक ईमानदार नागरिक होकर अपने देश और अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी तरह करें। हम बच्चे लोग सोचते हैं कि हम बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे वो भी प्रेम संदेश पहुंचा सकते हैं गांव में, घर में, मोहल्ले में, परिवार के बीच में, किसी प्रेम शांति सद्भावना और कई तरह से हम समाज को संदेश दे सकते हैं। यही एक अच्छा मौका है अपने घर के मोहल्ले को स्वच्छता की ओर ले जाए। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं जाते हैं स्कूल, उनको प्रेरणा दें कि हम जो है आपको भी स्कूल जाना बहुत जरूरी है और पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। बच्चे लोग घर में अपने अपने घर में जब यहाँ जाएंगे तो आज़ादी का यह उत्सव आज दिन भर आपके घर में दिखना चाहिए। अपने माँ बाप के साथ अपने देश के बारे में बताएं, जो लोग महापुरुष हैं जिन्होंने बलिदान किया है उनके बारे में बताएं, साथ ही साथ उत्साह करें मिठाई बांटो ताकि जो है आपका जो संदेश है अमृत महोत्सव लोगों को। खुशी की बात है कि हम सब यहाँ पर इस अपने बहुमूल्य समय देकर इस देश की आजादी को जिस तरह पूरे देश में कोने कोने मनाया जा रहा है हम सब भी सहभागी हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये वर्ष 2022 हम लोगों का देश की उन्नति का वर्ष है, सभी क्षेत्र में हमारा देश उन्नति करे, विशेषकर जिन क्षेत्रों की तरह है हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जितने मुख्यमंत्री है जितने सांसद है विधायक है पंचायत स्तर के प्रतिनिधि है कर्मचारी है सभी को भगवान सदबुद्धि दे ताकि हमारे देश को तो इस पर जो है मजबूती प्रदान कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम सब अपने देश के लिए जोड़ रहे। जय हिंद। सोने की चिड़िया करे
सभी प्रार्थना कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तेरे लिए दिल दिया
जब तक भी सांस है वो, जब तक भी सांस है वो, फिर अपनी लाश बिछा दी भर के माथा, सो गए कमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्त तो खुश रहेंगे। ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बर, खाना पड़े कभी रंग तेरा जिसमें से निकल के खून करे। है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो मेरे लिए सादत सही, महफूज रहे तेरे आन से आजा जान मेरी ये रहे न रहे। Thank you.
रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला हमारे रंग दे कर चले हम पिता जानतन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों कर चले हम पिता जानतन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों ऐ मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे बीताना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के कूद गए मिट्टी में मिल जावा बुलबुल के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू है वतन महबूब